अमेरिका का मतलब के जो है सरबरा वो पीएम मोदी से कुर्सी से उठ के मिलने आ रहे हैं, मतलब कि इतनी ज्यादा इज्जत अफजाई उनकी की जा रही है कि उनको कुर्सी से उठ के मिलने आ रहे हैं जो बाइडन पीएम मोदी जी से। तो यही आज की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा मजा आएगा वीडियो को देखने में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। तो देखते हैं आज के लिए। यार ये होती है असल पावर। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की चप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। बहुत बड़ी एक बात। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। इमरान खान की अमरीका से मदद की अपील। इमरान खान की मोबाइल में ऑडियो सामने आ गई है। एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में तमाम लाइंस क्रॉस की जा रही हैं, तो याद रखिए पाकिस्तान के साथ ये सब ना कीजिए। और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खान साहब आप तो जिंदा है, तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। इसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। उनका स्टैंड ये है कि एक ही वक्त में जो है वो पीस टॉक और एक ही वक्त में दहशतगर्दी साथ साथ जो है वो नहीं चल सकते। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा ले रहे हैं। बाइडेन जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पीएम मोदी को देखते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में वर्ल्ड लीडर से मिले। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, हमें 2024 में भारत के क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबान करने में खुशी होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, मेरे विचार से हमने पिछले 2 वर्षों से अच्छी प्रगति की है। बात हम करेंगे नरेंद्र मोदी जी की, जो के आजकल जी जापान में है और वहाँ पर G7 समिट में गए हैं, जाहिर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं यार, ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? बहुत बड़ी बात है ना, किसी से नहीं मिले, सिर्फ इनसे आकर मिले हैं, तो रिश्ते मजबूत हो गए इंडिया और अमेरिका के। ये बहुत बड़ी इज्जत अफजाई की बात है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के पास गए और रख के उनको जप्पी दी। जी हाँ, जादू की जप्पी, बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS। हाँ जी, तो जादू की जप्पी तो दे दी मोदी जी को और मोदी जी ने जो बाइडेन को, लेकिन पूछना ये था कि जब खान साहब थे तो ये चाचा जी फोन ही नहीं उठाते थे जो बाइडेन, मतलब खान साहब बार बार कहते थे जी मेरा फोन उठा लो, लोगों से कहलवाते थे मेरा फोन उठा लो, वहाँ के सेनेटर्स को कहते थे फोन उठा लो, पाकिस्तानी कम्युनिटी से कहते थे कि जो बाइडेन से कहकर फोन उठा ले, लेकिन मजाल है जो इन्होंने फोन उठाया। और अब यहाँ पर खुद चलकर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है सब कुछ। लेकिन खैर, मोदी जी जो हैं जी वो बिल्कुल जापान में हैं और जाते के साथ ही उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को याद किया और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से तभी बात हो सकती है जब टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए। टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये वाला सेंटेंस मुझे बड़ा पसंद आता है। लेकिन बात सारी ये है
कि जी टेरर पे तो टॉक हो सकती है ना, आप मतलब टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैठ के उस पर बात तो कर सकते हैं ना, आप मतलब प्लान करते हैं कैसे रोका जाए ये जो यहाँ पे बहुत सारे वो है ना नॉन स्टेट एक्टर्स जो हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बात हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए बात हो सकती है, और कई और दूसरी चीज़ें। और दूसरा ये कि हमारी एजेंसीज जो है वो कोशिश कर रही हैं, आप शुरू तो किया है उन्होंने, आप केपीके में देख लीजिए, आप टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वो भी न्यूज़ आ रही है, और मेरा ख्याल है कि भारत भी उस न्यूज़ के ऊपर यकीनन नज़र बना के रखा होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है, वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, इन्वाइट किया गया और वहाँ पर उनको सर रेड कार्पेट वेलकम, बहुत बड़ा वेलकम रिसेप्शन वेलकम किया और बड़ी इसकी धूम मची हुई। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। थैंक यू जी। ये जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो ज़ाहिर है कई गुना कई दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पर मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूँकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ ज़ाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में, जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी, ये मैं काफ़ी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुज़श्ता 4-5 सालों से, कि जो कोई ख़बर नहीं रहेगी कि जी फलां फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया, फलां फोरम का इजलास इंडिया में हो गया, या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है। क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज़ की थी कि इंडिया जो है ना एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पज़ के आगे, उसको वो तोड़ चुका है और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं, कहीं ये G7-8 है, कहीं G20 है, कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक, कहीं जो है जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, भाई देखा ही आपने, बहुत बड़ी एक वैसे खबर है ये निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी जी से वो कुर्सी से उठ के, जो बाइडेन अब हमने देखा ही है वहाँ पर इतने ज़्यादा बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के बैठे हैं और भी कितने ज़्यादा मुल्कों के बैठे हैं, लेकिन वो स्पेशली जो पीएम मोदी से उठ के आके अपनी कुर्सी से मिलने आए हैं, इसका क्या मतलब है कि इंडिया की बहुत ज़्यादा पावर है, तभी तो वो उससे मिलने आए। वरना अभी तरक्की इंडिया कर रहा है ना, तो वो भी चाहते हैं कि और ज़्यादा हमारे इनके साथ रिलेशन और ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, या फिर वहाँ से भी जितनी ज़्यादा
इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में आएगी, जितने ज़्यादा लोग अमेरिका में इंडियंस काम कर रहे हैं ना एज अ सीईओ और भी बहुत ज़्यादा पोस्ट पे हैं, तो अमेरिका को अहमियत का पता है कि इंडिया की अहमियत क्या है, और अगर उन्होंने इंडिया को नाराज़ किया तो वहाँ के लोग भी नाराज़ हो जाएंगे, तो इस वजह से उनको इज्जत करनी पड़ती है। इंडिया ने खुद को इस काबिल बनाया कि पूरी दुनिया में, हालांकि इंडिया ने अपने रिलेशन जो रशिया के साथ है वो ये अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है, दुश्मन फिर भी दोनों उनके साथ भी बना कर रखे हुए हैं, उनसे इतना ज्यादा तेल मंगवा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा ये G7 में भाई उनके साथ गले मिल रहे हैं, तो काफी एक मतलब काफी ज्यादा हैरानी एक हुई है कि वो उठ के आए हैं, बिल्कुल कुर्सी से उठ के आना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता है अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट भाई मिलने आ रहा है पीएम मोदी जी से, तो ये एक बहुत बड़ी एक खबर है, ये ताकत का एक मुजाहरा करता है कि कितनी बड़ी ताकत है इंडिया भी था, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान का देख रहे हैं तो आपको पता है बिलावल भुट्टो जी गए थे इंडिया में, वहाँ पे उनसे हाथ तक नहीं मिलाया गया, तो ये मतलब होता है कि आपके पास पावर, अगर हमारे पास भी इस टाइम पे पावर होती हम भी इस काबिल होते तो सारी दुनिया हमारी भी इज्जत करती, तो खुद को इस काबिल बनाना ही पड़ता है कि लोग आपकी इज्जत करने, वरना बिल्कुल वो हर एक चीज खुद अपने मुल्क में बनाने की कोशिश, और बहुत ज्यादा कामयाब भी हो चुके हैं वो बनाते हैं हर एक चीज, किसी किस्म की भी आप उठा लेते हैं गाड़ियां देख लें, और भी किसी मतलब उन्होंने शहर के शहर यार यूं बना दिया, और इसके आगे क्या बोले हम, उन्होंने तो दुनिया को हैरान कर दिया इतने सालों में, पीएम मोदी जब से आए उन्होंने तो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर दी है, ट्रेन देख ले आप, गाड़ियां देख ले आप, हर चीज कोई भी चीज उठा के देख लेंगे ना, छोटी से छोटी चीज भी वो मेड इन इंडिया बन रही है, और भाई इंडिया अपने आप को इस काबिल बना रहा है कि दुनिया उनके आंखें, तो जैसे ये अभी हुआ है ऐसे ही खुद मिले उनके साथ, खुद वो कारोबार करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत इज्जत की बात है, इज्जत की बात है, उन्होंने ये नहीं है कि उन्होंने किसी एक कंट्री के साथ ताल्लुकात बना कर रखे, उन्होंने सारी कंट्रीज के साथ, इंडिया पाकिस्तान के साथ भी, जैसे कि उन्होंने बोला कि टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए फिर ही हमारे साथ जो है उनके तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैसे बड़ी न्यूज़ थी और पाकिस्तानियों के लिए तो बहुत ज़्यादा हैरान कन एक वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है एक और नई वीडियो में, थैंक यू।